एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक सेल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं. एंडोप्लाज्मिक मीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स चैनल्स. सो द नेम रिप्रेजेंट दैट इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ एक नेटवर्क बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि थ्रू आउट द सेल स्प्रेड हुए होते हैं न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर किसी भी यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन तक. इंटरकनेक्टेड चैनल्स मीन कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स के मूवमेंट के लिए. सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें यहाँ ट्यूबलाइक नजर आ रहे हैं जो कि थ्रू आउट द सेल यहाँ स्प्रेड हुए होते हैं. इन ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं हम सिस्टर्ने का, और इनके इंटरनल स्पेस जो आपको नजर आ रही है दिस इज द सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमन. टाइप्स की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पर हम टू हेडिंग्स के अंडर स्टडी करते हैं. नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपेयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू इट. इट्स अ डायग्राम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पार्टिकल्स अटैच हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक रफ अपेयरेंस देते हैं. दैट्स वाई इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है. सो ये राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं. दैट्स वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल है प्रोटीन के सिंथेसाइज करना, मोस्टली मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना. नेक्स्ट आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट लैक्स राइबोसोम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किसी किस्म के राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दैट्स वाई ये स्मूथ अपेयरेंस देते हैं. सो वी कॉल देम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. नंबर वन इट इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस. मेन फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में. इन टर्न फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है या ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है. हमें पता है कि लिपिड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं. नंबर टू इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर. वी सेड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू आउट द सेल एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं इंटरकनेक्टेड चैनल्स का. तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में सेल के न्यूक्लियस से लेकर उसकी मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि कनेक्ट होते हैं, दैट्स वाई ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं. नंबर थ्री इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं. Like वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर प्रेजेंट इन द लीवर्स या मोस्टली डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करके उन हार्मफुल केमिकल्स को या ड्रग्स को सेल से एक्सक्रीट कर देते हैं. किस तरह से करते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने से उनको वाटर सोल्यूबल बना देते हैं और इस तरह से उनको डिटॉक्सिफाई करना और वहां से एक्सक्रीट करना पॉसिबल होता है. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन की डेपोजिशन में भी हेल्प करते हैं, मोस्टली इन द मसल सेल्स जो कि मसल सेल को कंट्रैक्ट करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. थैंक यू. होप सो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू.